हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। सो सपोज वी हैव अ वायर कैरिंग करंट आई। अगर आपका कोई वायर के अंदर करंट आई मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हम डिस्कस कर रहे हैं किसी पॉइंट पी पे इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो पूरे अगर कंडक्टर की लेंथ आपके पास एल है तो हम क्या लेते हैं, हम कोई स्मॉल पोर्शन लेते हैं। सो स्मॉल पोर्शन की लेंथ आपकी होगी डीएल, राइट? डीएल से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपका होगा आर। सपोज सेंटर से लेके वो पॉइंट का डिस्टेंस आपका ए है, इसके साथ एंगल आपका 90 डिग्री है। ये जो लेंथ है आपके पास ये एल है, थीटा जो एंगल है आपका वायर और ये जो आपका पॉइंट पी है इसके बीच में आपका थीटा है। अंदर वाला एंगल हम फाइव कंसीडर करते हैं, हम आर्बिट्ररी एक लाइन मानते हैं जिसमें हम एंगल को फाइव वन और फाइव टू लिखेंगे, राइट? सो सबसे पहले आप डायग्राम को ऑब्जर्व करें। अब अगर वायर में अपवर्ड अगर करंट जा रहा है तो आप इसको ऐसे घुमा के देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज आपका पॉइंट यहां है, सो उस पॉइंट पे क्या हो गया आपके? इनवर्ड। इनवर्ड होगी बच्चों, इसीलिए हमने डॉट नहीं लगाया, हमने क्या लगाया है? क्रॉस। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टॉपिक किया था बायट सर्विट्स लॉ, अगर हम उस पे फोकस करें, व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, उसे स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे हमें क्या करना है बच्चों, ये जो आपके पास ट्रायंगल है मैं आपको थोड़ा बताती हूं। सपोज ये ट्रायंगल, ये हम ले लेते हैं ए पॉइंट, ये अपना है बी। अगर बी लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसको डी मान लेते हैं क्योंकि बी हमने मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल लिया ना, इसको हम मान लेते हैं सपोज एक्स, एक्स पॉइंट। सो ए डी एक्स, ये जो ट्रायंगल है, राइट, इस ट्रायंगल से हम निकालेंगे साइन थीटा। कौन से रूल से? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस रूल से हम एक बार तो क्या निकालेंगे? साइन थीटा। और इसी ट्रायंगल में बेटा जी क्या निकालेंगे? कॉस फाई। ऐसा करने का रीजन क्या है? एक्चुअली हम चाह क्या रहे हैं इस आर्टिकल में, ये जो बायट सर्विट्स लॉ वाला फॉर्मूला है ना, इसमें हम चाहते हैं कि हम साइन थीटा की आर की इनकी वैल्यू पुट करें, डीएल की वैल्यू पुट करें। सो उसके लिए हमें इस ट्राइंगल, ये जो आपकी ये फिगर है आपका, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इस फिगर में आपके अंदर है ट्राइंगल, उस ट्राइंगल की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? सारे के सारे जो आपके इसमें टर्म्स हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमने जो वैल्यू निकाली है, सॉरी, वो इस ट्राइंगल से हमने निकाली है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू ए बाय आर। अच्छा, कहीं कई बच्चों का ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम साइन भी इसी से निकाल रहे हैं और कॉस फाई भी निकाल रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो प्यारे बच्चों, एक ट्राइंगल में मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, ये बहुत बेसिक 10th क्लास की बात है, तीन चीज होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। जिस स्टूडेंट को किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये तीन साइड का पता चल जाए कि ट्राइंगल में कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, तो वो इजीली साइन, कोस, टेंजेंट और बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को निकाल सकता है। आपको सिंपल सा चेक करना है कि थीटा कहाँ है, मींस एंगल कहाँ गिवन है। अब आप ये देखें, ए डी सी ट्राइंगल में, ए डी एक्स ट्राइंगल में ये थीटा है। सो आप एक छोटा सा मेरा हिंट याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एंगल के सामने वाली साइड, जैसे सपोज हम साइन थीटा निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा जब निकालेंगे तो एंगल हमारा ये है, इसकी जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होती है बेटा। जिस पे एंगल बना होता है, जिस साइड पे, वो आपकी बेस होती है। अगर आपको किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का पता है, बेस का पता है, तो इजीली आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, मींस जो आपकी थर्ड साइड है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, राइट? सो ऐसा करके आप निकाल देना साइन थीटा। फॉर्मूला वही रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब चेक करें कॉस का, अब कॉस फाई तो यहां पे है भाई, इसका मतलब जब इसी ट्राइंगल से कॉस फाई निकालेंगे तो अब आपके लिए बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, राइट? कैसे चेंज होगा? ये थीटा है, तो थीटा के लिए तो सामने वाली साइड कौन सी हुई? ये वाली ना, एडी साइड हुई। तो थीटा मतलब फाई के लिए, सॉरी, फाई के लिए जो परपेंडिकुलर हुआ वो एडी साइड हुई,
तो जब cos phi निकालेंगे आप, तो जो perpendicular है आपका वो कौन सा होगा आपका सामने वाली साइड। मीन्स बोले तो AD इज योर perpendicular, AX इज योर बेस एंड अगेन DX इज योर hypotenuse। So, आपके पास तीनों साइड है तो प्यारे बच्चों आप इजीली साइन फाई कॉस वाई, इवन इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। So, आगे स्टार्ट करते हैं अपना। अब यहां से हमने आर निकाल लिया, दैट इज वेरी इजी। हमने टेंजेंट फाई निकाल लिया, टेंजेंट फाई निकाल के हमने क्या निकाला एल, एक्चुअली हम निकालना चाहते हैं डीएल, है ना। देखो आप यहां देखिए बच्चों, हमें वैल्यू चाहिए है डीएल की, ठीक है, हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। ओके, हम आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। सो साइन थीटा की वैल्यू तो हम यहां से निकाल लेंगे, है ना, उससे हमने आर की वैल्यू निकाल ली। अब हमें चाहिए डीएल, तो डीएल के लिए पहले एल चाहिएगा ना, तो हमने क्या किया, हमें देखा कि एल कहां से मिल सकता है, तो जहां से पॉसिबल है हमने वहां से एल निकाला। अब अगर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दूंगी बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डीएल की वैल्यू। डीएल की वैल्यू कैसे, एल की वैल्यू होगी डीएल ए एज इट इज। टेंजेंट फाई का आप क्या कर सकते हैं, आप टेंजेंट फाई का डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। टेंजेंट फाई का रिलेशन होता है, मतलब आज का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर फाई और डी फाई, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ओल्ड वैल्यू लाइक आर डी एल डी बी, अगर आप इस डी बी रिलेशन में अगर आप ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे बच्चों, so you can get the value of dv by substituting the value of r and dl in this equation, you get this relation like dv equal to mu naught। okay, so next is